2021 में अब मैं फाइनली एक ट्रिप पे जा रहा हूँ। 10 महीने घर बैठ के मैं पागल हो चुका हूँ और अब एक ये ट्रिप रिक्वायर्ड था और मैं अपनी फेवरेट जगह पे जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ वैष्णो देवी जम्मू एंड कश्मीर, और इस बार मैं अकेला नहीं जा रहा, आप सब लोग मेरे साथ चलेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो में बहुत मस्ती करेंगे हम लोग। और अभी रात के 10 बज रहे हैं, मैं अभी सोऊंगा और कल मेरे को 6 बजे न्यू दिल्ली से ट्रेन पकड़नी है, तो फिर सुबह निकलना होगा। तो लेट्स गो। और हम लोग यहाँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं। चलो यार, और इसका मुझे अभी पता चला कि ये नहीं जा रहा। तो यस, अभी हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 6 और हमारी ट्रेन और 2 मिनट में चलने वाली है। तो ये हेलो दीदी, हेलो करो दीदी, आराम से बोलो, आराम बोलो। तो अब चलो साथ साथ। क्या कर रहे हो? सोने दे मेरे को, सोने दे। क्या कर रहे हो? नहीं, सोने दे। 4 घंटे से सो रहे हो, क्या कर रहे हो? कोई और सोने दे, चल चल चल। यार ये गलत बात है। सुबह टाइम और पूड़ी आलू खाने को मिल रही है ट्रेन के अंदर। अच्छा, बेस्ट चीज़ इसके बारे में, घर पे कैसे भी लगे ट्रेन में मिलती बहुत सही लगती है, वर्थ अ ट्राई। पीछे तो कहीं आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, फॉग पीछे पहाड़ है। और हम अभी टेस्टिंग की लाइन में खड़े हैं, रिपोर्ट दिखाएंगे और यहाँ से निकलेंगे। हेलो कर दो, हेलो जी, बुलाओ ये बड़े सीनियर साहब। हेलो, तो अभी हम रूम में अपने होटल में पहुंच गए हैं और अभी हो रहे हैं 4:30, हमारी ट्रेन पहुंची थी 3 बजे। फिर आफ्टर द कोरोना टेस्ट एंड एवरीथिंग हम फाइनली आए हैं। ये अच्छा नहीं लगेगा व्लॉग में, हम ही फ्लश ठीक कर रहे हैं, हटो, हम खुद ही। खा रहे हो? क्या लगता है? अभी खाना खा के आए थे आप, अभी मैगी खा रहे हो और तुम शाम के 7 और हम लोग अपने होटल रूम में आ चुके हैं और हमने अब कल ऊपर चढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो अभी हम लोग जाके सोएंगे क्योंकि हमने पूरी दिन ट्रेन में ट्रैवल किया और कल रात को भी हम उठे हुए थे, वी गॉट अप एट 3। तो अब हम लोग सोएंगे और कल सुबह अराउंड 6:00 हम चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। हाय गाइस, हाय गाइस, ओ सॉरी, हेलो गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 6:30 और हम लोग रेडी हैं एंड वी आर लीविंग
अब थोड़ा सा खाना खाएंगे और फिर हम सुबह चढ़ाई के लिए तैयार हो जाएंगे। ठंड बहुत है और जय माता दी हैं। अभी हम लोग चढ़ाई करना शुरू कर चुके हैं। टाइम हो रहा है 7:10 और हमें 6 घंटे लगेंगे अब। और दीदी चढ़ पाओगे? बिल्कुल जय माता दी। पक्का चढ़ पाओगे? हाँ जी हाँ जी। चलो तो हम लोग आज आए थे न्यू टाराकोटे मार्ग से और इस मार्ग में सबसे बेस्ट बात है आज थोड़ी बारिश हो रही थी और ये पूरा शेडेड है तो इस वजह से इस मार्ग से हम आए और किस्मत से अभी तक बारिश होनी थी एंड मौसम भी खुल गया पूरा। और एक चीज़ इस जगह पे यहाँ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे पार्क हैं और जिनमें से एक में मैं अभी आया हूँ क्योंकि मेरे घर वाले मेरे को छोड़ गए हैं, मतलब छोड़ नहीं गए, वो थोड़े पीछे रह गए हैं और मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं कि वेट कर, तो मैं इसलिए यहाँ पार्क में आके खड़ा हो गया हूँ, वेट करेंगे थोड़ी देर। यहाँ से व्यू बहुत सुंदर है, मैं आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ, देखो व्यू देखो। ये देखो अच्छा खासा रास्ता है सामने और हम पता नहीं किस रास्ते से चल रहे हैं और मैं सबको तंग कर रहा हूँ बार बार वीडियो बना के। मैं तंग नहीं कर रहा हूँ, वो बंदे खुद तंग होना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। हमारे 1.25 घंटा वेट करने के बाद हमारे साथी हमसे जुड़े हैं, बुजुर्ग आदमियों की इज्जत करें, इज्जत पूरी कर रहे हैं लेकिन 1.25 घंटे बाद जुड़े हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं डोसा पॉइंट हिमकोठी पे और ऑलमोस्ट 3/4 सफर हमने कर लिया है क्रॉस। अब हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, डोसा खाएंगे और इसके बाद वापस ऊपर चलेंगे। ये व्लॉग में आना नहीं चाहती मेरे साथ, मैं लेके आऊंगा। हम ऊपर पहुंच गए, 6 घंटे लगे हमें आज ऊपर पहुंचने में। पिछली बार मैं इससे आधे टाइम में पहुंचा था, अब हमें 6 घंटे लगे ऊपर पहुंचने में और बस अब थोड़ी देर में दर्शन करेंगे और फिर बताऊंगा आपको क्या करेंगे। और ये खुद ही हो रहा है, ये अंदर भी हो रहा है और पानी निकल रहा है। हो कैसे रहा है ये कोई समझा सके तो फिर कमेंट करके बताओ जरा ये चीज़, क्योंकि मेरे तो समझ के बाहर आई थी हो क्या रहा है। तो अभी हम पहुंच गए CRPF के ऑफिस में और यहाँ से हम जाएंगे अब दर्शन के लिए। ऑफिस में हम आए हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़े कुछ कॉन्टैक्ट्स थे और अब इसके थ्रू हम लोग दर्शन जल्दी करेंगे और बाकी काम करेंगे। तो अभी हम हैं आर्मी के रिसेप्शन पे बैठे हुए हैं और यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं, 5 मिनट बैठेंगे और उसके बाद हम अंदर जाके दर्शन करेंगे। दर्शन में फ़ोन अलाउ नहीं होंगे तो फिर आपको दर्शन का व्लॉग देखने को नहीं मिल पाएगा और तो कहीं दर्शन अनंत की ब्लॉग बन नहीं पाएगा। बट एक TV यहाँ पर लगा है जिस पर अंदर का सब दिखेगा, तो यहाँ तो हम देख ही सकते हैं एटलीस्ट। तो एक्चुअली एट द एंड हमें यही चीज़ दिखती है, यहाँ पर 3 पिंडियाँ होती हैं और इसी के हम दर्शन करते हैं गुफा के अंदर जाके। तो अब हम एक्चुअल दर्शन करने जाएंगे अंदर। वापस आ रहे हैं दर्शन करके और दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, खुले दर्शन हमें मिल गए और हम अब जाएंगे
केबल कार की टिकट्स के लिए, जिसके बाद हम जाएंगे भैरव। अभी हम रोप वे के लिए लाइन में लगे हैं और अब हम टिकट लेंगे और टिकट लेके जाएंगे ऊपर। आ गए, हम लोग अभी भैरव बाबा की दर्शन करके आए हैं और बिल्कुल खुले दर्शन थे क्योंकि सब कुछ बंद कर रखा था, इसलिए बार बार से दर्शन करने पड़े। और अब हम लोग भैरव की सबसे फेमस फोटो की फोटो प्लेस पे आए हैं और अब आपको मैं दिखाता हूँ। हालांकि अभी फॉग बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको व्यू दिखा ही रहा था तभी बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट हो रही थी बार बार क्योंकि रोपवे का टाइम ख़त्म होने वाला था, 4 बजे तक रोपवे होता है और अभी टाइम हो गया 4:01, तो फिर हम लास्ट थी जो नीचे आए, तो मैं आपको व्यू नहीं दिखा पाया। बट एक्चुअली व्यू आपको ढंग से दिखता भी नहीं क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा थी। तो अब मैं आपके साथ एक फ़ोटो शेयर करूँगा जो पिछले साल की है, लेकिन उसमें व्यू बहुत अच्छे से दिख रहा है हमें, तो आप उससे व्यू ज़रूर देख पाओगे। तो अपने लेसेस खुद नहीं बांधते, बचपन और जवानी में टाइम नहीं होता, बचपन जवानी में टाइम नहीं हुआ, लेस भी खुद नहीं बांधते, ये कैसा हुआ। तो अब मैं आ चुका हूँ अर्धकुंवारी पे और अभी टाइम हो गया है 6:00 और मैं ऑलमोस्ट हाफ वे नीचे आ चुका हूँ, तो आई एम एंजॉइंग माई कॉफ़ी। बाकी यहाँ पे आपको आरती की आवाज़ आ रही होगी, 6:00 होती है, वो स्टार्ट होने वाली है अभी। ट्रक अभी जा, अभी ब्लॉक चल रहा है, अभी जा। आधे घंटे के बाद मुझे ये लोग दिख रहे हैं और अभी ये आधी के लिए दो लोग ये रहे अभी ये लोग आएंगे और मैं इनकी वाट लगा दूंगा क्योंकि मैं ऑलमोस्ट आधे घंटे से यहाँ बैठा हूँ। पता नहीं ये कितना ब्रेक ले रहे हैं, ये कितना धीरे धीरे रुक के आ रहे हैं, या ये क्या कर रहे हैं जिनको आधा घंटा लग गया नीचे आने में और 2 किलोमीटर आधे घंटे में चले हैं। पूछता हूँ, अभी आते तो पूछता हूँ। पहुंच गए हैं और सबकी हालत बहुत बुरी है, बताओ आपकी हालत कैसी है आदि? वापस रूम की तरफ जा रहे थे और सब लोग रूम में चले गए और मैं आया हूँ कॉफी पीने और फिर मैं जाऊंगा रूम में और जाके सो जाएंगे हम लोग। फिर हम लोग मिलेंगे आपसे कल, बाय बाय, गुड नाइट। तो जी हाँ भाई और बहनों, हम सब आ गए हैं एक नए दिन में और हम लोग अभी उठे हैं और उठ के हम लोग तैयार हुए और यहाँ पर खाना खाने आ गए, लोग खाना स्टार्ट भी कर चुके हैं। ये है बहुत ही स्पेशल जम्मू का न्यूट्री कुलचा,
तो यहाँ पर जब भी आओ ये ज़रूर ट्राई करो और ये ज़रूर खाओ। तो अब हम अपने ट्रेन की तरफ जा रहे हैं, हमारा ट्रिप यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। अब हम वापस दिल्ली की तरफ जाएंगे और ट्रेन में बैठेंगे। अभी ट्रेन में हमारा 45 मिनट्स हैं और अभी हम ट्रेन की तरफ ही जा रहे हैं। सो गाइज, अब हम पहुंच गए हैं अपने घर। हम फरीदाबाद में वापस आ चुके हैं। मैं स्टेशन पे ज़्यादा शूट नहीं कर पाया था क्योंकि मेरी मॉम की तबीयत थोड़ी सी डाउन थी इस वजह से। और अब हमारा ट्रिप यहाँ पर होता है ख़त्म और साथ ही ये व्लॉग भी अब होता है ख़त्म। लाइक करिए इस व्लॉग को, कमेंट करके बताओ कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा और इसको अपनी स्टोरीज पे शेयर करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल द वेरी एंड। टू ऑल दोस जो अभी तक इस ब्लॉग में बने रहे हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच। ये मेरा फर्स्ट ट्राई था और देखते हैं अब इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।